जजमेंट आया एंड फ्रॉम द लॉन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी हैव सेड दैट वी विल फाइल अ रिव्यू पिटीशन, क्योंकि जो सारे आपके बड़े लीगल ल्यूमिनरीज है, चाहे फलियस नारिमन हो, मदन लोकुर हो, रोइंगटन नारिमन हो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के हिंदुस्तान के आईन के नुक्ताए नजर में जो कमी पेशियां जजमेंट में आई है उसके वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के जो व्यूज है उनके जरिए सारी दुनिया के सामने रखे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि फलियस नारिमन ने भी कहा कि किस तरह 370 को एब्रोगेट किया गया, 367 क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान के आईन में बाय मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन व्हिच इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मनूवर। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किसी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कोई चेंज नहीं हो सकती है। ये खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मिस्टर फलियस नारिमन एट द एज ऑफ 94 ही इज स्टैंडिंग फॉर्मिडेबली विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हमें गैरत भी, हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है जो कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं। और मैं आप सब लोगों को वादा करूंगा, यही आज सुबह मॉर्निंग में व्हेन आई स्पोक टू माय लॉयर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन। अब आपके जरिए इस कौम को मैं बावर करवाऊं कि क्या कश्मीरियों के साथ गलत हुआ। 370 का जो क्लॉज 3 था वो कहता था कि कोई भी अमेंडमेंट जो 370 में होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप हमारा विद यूनियन ऑफ इंडिया हुआ है वो कुछ शराइतों पे हुआ। खाली तीन डोमेन थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कश्मीर का अपना सदर रियासत था, कश्मीर का अपना एजेंडा था, कश्मीर का अपना आईन था, कश्मीर का अपना हेड ऑफ स्टेट था, और ये सारे इख्तियार हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने बाई मीन्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कॉल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। ये पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था, ये अमेरिका ने हमें नहीं दिया था, ये बर्तानिया ने हमें नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था, इसीलिए यह हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब मैंने आपको कहा 370 क्लॉज 3 क्या बोलता है, कि अगर कोई भी चेंजेस 370 के बेसिक स्ट्रक्चर में की जाएगी उसकी रजामंदी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देनी है। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू एक्सिस्ट इन 1956 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व किया गया है। अब यह सब्सिक्वेंटली वापस नहीं आ सकती है। तो किस तरह मोदी हुकूमत ने यह किया, ऑन द बेसिस ऑफ रूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, उन्होंने एक नया क्लॉज ऐड किया 367 में, क्लॉज डी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वही अब मानी जाएगी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रोहिंगटन नारिमन और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फलियस नारिमन ने कहा है। और मदन लोकुर ने यहां तक भी कहा है कि कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को एक रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। ना सिर्फ वो, केशव नंदा भारती का 13 जज जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन हमारे सामने, एक सिंपल अमेंडमेंट क्या होती है एंड व्हाट टैंटमाउंट्स टू ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती ये बोल रहा है एक सिंपल अमेंडमेंट में क्या फर्क होती है और ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ That corresponds to altering the basic structure of the Indian Constitution. It cannot happen. ये पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है। आर्टिकल 3 आपको पता है, आर्टिकल 3 ये बोलता है किसी भी जगह को अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है या कोई नई स्टेट बनानी है, नई यूनियन टेरिटरीज बनानी है, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और टू यूनियन टेरिटरीज, बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द मैंडेट। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट नहीं है कि कोई वो हिस्टोरिक स्टेट को खत्म कर दे, जिस तरह जम्मू कश्मीर के जिमन में हुआ है। इसमें कुछ आदाद और शुमार है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 39,000 स्क्वायर माइल्स वाज़ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑन 1950। ऑन 5th अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया 39,000 स्क्वायर माइल्स था। 39,000 स्क्वायर माइल्स में लगभग 22,000 स्क्वायर माइल्स लद्दाख को अलग करके हमसे छीना गया। क्या कोई रजामंदी ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की? एमरजेंसी पावर्स लगा के हिंदुस्तान का ही अपॉइंटेड, न्यू दिल्ली का ही अपॉइंटेड गवर्नर ये बोल रहा है मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाव पे कंसेंट देता हूं, क्या ये कंसेंट मानी जाएगी? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लीगल जायंट्स हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, मैं आपके जरिए, आप सब लोगों ने वो मीडिया में देखा होगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपोजिशन पार्टीज का एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ जिसमें अपोजिशन के बहुत बड़े एमपीज भी आए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पंजाब की लीडरशिप का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बंगाल की लीडरशिप का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमिलनाडु की दोनों द्रविड़ पार्टीज का, बिलखसूस डीएमके पार्टी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आरजेडी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का,
और मैं एक बहुत बड़ा सवाल ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक तरफ, एक पीसफुल सियासी जदोजहद आपको करनी पड़ेगी। मैं कश्मीरी लीडर से यह बोल रहा हूं, जब 11 दिसंबर का वो डिसीजन आया, आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट हेयर टू स्कोर पोलिटिकल ब्राउनी पॉइंट, मगर आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उस दिन वहां क्यों नहीं थे? क्यों वहां खाली मुजफ्फर शाह साहब थे, हम लोग थे, इरफान हफीज लोन था, यूनाइटेड पीस अलायंस थी, जेके पीएम के प्राइमरी पेटिशनर्स थे, क्यों आपके फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां नहीं थे? क्या आज हमें आजाद साहब की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें अल्ताफ बुखारी की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें सजाद लोन की जरूरत नहीं है? जो बड़े बड़े ओहदों पे कल तक फाइज थे, आज उनका फर्ज यह था कि वो दिल्ली में बैठ के, जिस तरह यह पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ एक चंद साल पुरानी है, वो दिल्ली में तमाम अपोजिशन पार्टी से मुजाकरात कर रही थी, नई कश्मीरियों के साथ जो हुआ है, इट इज अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कोई हम पे एहसान नहीं कोई कर रहा है हमारे साथ खड़े होके, ये हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा के 370 खत्म किया गया। हम इसके मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह रिव्यू पिटीशन इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। आई वांट टू टेल थ्रू यू आर द फोर्थ एस्टेट, मीडिया चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। जिस तरह बीजेपी ये बोल रही है इट इज डन एंड डस्टेड, हाउ कम यू आर सेइंग डन एंड डस्टेड? आपके पास कानून में प्रोविजन है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से रजामंदी नहीं रख सकते, यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन। अगर रिव्यू आपका खारिज हो जाता है, यू कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन, और क्यूरेटिव पिटीशन में हेयरिंग होनी चाहिए, यह कानून में प्रोविजन है। क्यूरेट अगर हमारा रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट भी हुआ, जंग वहां खत्म नहीं होगी, क्यूरेटिव पिटीशन भी हम फाइल करेंगे, और वी विल मेक श्योर दैट दिस केस गोज टू अ लार्जर बेंच। मैंने केशव नंदा भारती की आपको एग्जाम्पल दे दी, और मैं सबसे बड़ी बात यह बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जो प्रोपेगेंडा पिछले 5-6 साल से इन्होंने चलाया है, कश्मीरियों के लिए स्पेशल, कश्मीरियों के लिए स्पेशल, कश्मीरियों को अलग आईन, कश्मीरियों को अलग झंडा, भाई नागा पीस अकॉर्ड में क्या कर रहे हो आप? जो नागा पीस अकॉर्ड आपका नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द नागास, नॉट अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, नागास ये कह रहे हैं हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत दी जाएगी। ये बीजेपी और नागास के बीच में यह अकॉर्ड हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हमें अपना झंडा दिया जाएगा। भाई जो प्रोविजन कश्मीरियों को हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिए, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट पंडित नेहरू था, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद आरएसएस की लॉबी से आते हैं वो भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ये सब चीजें हिंदुस्तान के आईन ने कश्मीरियों को दी। मैं आपके जरिए दो क्लॉज सिर्फ पढ़ना चाहता हूं ताकि कश्मीरी लोगों को यह पता चले, दी स्पेशल प्रोविजन आर नॉट एक्सक्लूसिव ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 371A और G क्या है? नागालैंड और मिजोरम के लोगों के लिए क्या क्यों स्पेशल प्रोविजन है फिर? अगर आपने 370 हटाया ये कहते कि कश्मीरियों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि नहीं मिल रहा था। जो ट्रीटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कश्मीरियों के साथ था, वो तो हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने प्रॉमिस दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेज थी, ये एक अनडाइल्यूटेबल गारंटी थी, तभी इसको एक आयरन क्लैड गारंटी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वो 1956 में ही कश्मीर का आईन, जम्मू कश्मीर का आईन बनाने के बाद उसको डिसॉल्व किया गया। नागालैंड और मिजोरम के जिम्मन में कुछ बातें मैं बता दूं आपको, नागाज एंड मिजोस फॉर देम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट इन मैटर्स ऑफ नागा एंड मिजो रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस। आप नागाज के मजहब के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बना सकते हो, अनलेस एंड अंटिल यू हैव द कंकरेंस, आपके पास रजामंदी होगी नागालैंड या मिजोरम की असेंबली की। यही रजामंदी तो कश्मीरियों के पास भी थी, जब आपने आर्टिकल 3 की धज्जियां उड़ा के अपने ही अपॉइंटेड गवर्नर से ही कंसेंट लिया। क्या जम्मू कश्मीर के सिटीजंस वर दे इन्वॉल्वड एनीवेयर? क्या जम्मू कश्मीर का इलेक्टेड लेजिस्लेचर वाज इट इन्वॉल्वड एनीवेयर? आई वांट टू थ्रू यू आस्क द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर जजमेंट। हम जम्मू कश्मीर के हकूक से, आने वाली जनरेशन से कभी भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था, हमारा सदर रियासत, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा एजेंडा, हमारा आईन, हम आखिरी दम तक उसके लिए सियासी जिदोजहद करते रहेंगे। आखिर में मेरी इस कौम से एक मोदबाना गुजारिश है, कश्मीरी कौम से, खुदा रहा मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, तारीख का मुताला करो, तुम्हारे कौम को लूटा जा रहा है, जो कुछ तुम्हें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था वो भी तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हारा एजेंडा तुमसे छीना गया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम तशद्दुद करो, मगर क्या आज सिविल सोसाइटी का भी हक नहीं है? अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक साल पहले बनी, मुझे फक्र है इस बात का, मुझे कोई पैसा दिल्ली से नहीं आता है, मैंने इस्लामाबाद से कभी कोई पैसा नहीं लिया, मैं अपनी कौम के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। मगर मेरा सवाल उन रिवायती सियासतदानों से है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कहां है आज अल्ताफ बुखारी? और मैंने कल उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बयान देखा, फजुन अजत अजुन अजत तेम विजन तू कुनु ये अजत तो ही।
तो मीर सादिक मीर जाफरू ने उस वक्त भी कश्मीर को बेचा जब 1953 अगस्त में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली क्या कहा हक्सर ने वॉज द मैन फ्राइडे ऑफ इंदिरा गांधी सेड ही हक्सर टोल्ड इंदिरा गांधी इट वॉज योर फादर्स बिगेस्ट सिन तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा गुना था कि तुमने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करवाया। मैं आज इन तमाम बीजेपी की बी और सी टीम्स को कहना चाहता हूं भाई कोई डर नहीं हमें ईडी एनआईए का। मैंने पहले दिन बोला है जिस दिन मैं सियासत में आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जेल जाना, मुझे जेल जाना पड़े हमें फर्दन फर्दन लुटना पड़े इस कौम के लिए, मगर हम आने वाली पीढ़ियों से नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझे मालूम है अगर आज मैं भी खामोश हो जाऊं जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये फैक्ट्स आपके सामने है 371A to J। आई एम चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, लेट हिम एब्रोगेट आर्टिकल 371। पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा उसकी वजह से। कल आपने देखा ये लोग कहते हैं 370 के बाद कश्मीर में शहद और दूध की नहरें बह रही है, तो सुरनकोट में अटैक कैसे हो गया? आपने घाटमला में देखा वो SSP को किसने मारा? ईदगाह में वो जो आदमी क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था उसको किसने मारा? हर महाज पे आप फेल हो रहे हैं। यू विल हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू सेंड टू द होम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।